बेटो, एक शास्त्र वचन है, सत्वात संजायते ज्ञानम। इसका मतलब ये हुआ, सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान बढ़ता है। तो सत्व गुण कैसे मिलेगा? सत्व गुण पाने के लिए सत्वगुणी भोजन करना चाहिए, अर्थात जो भोजन सत्वगुणी नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए। तो सत्वगुणी भोजन क्या होता है? जो सहज ही प्रिय लगता है, स्वस्थ व्यक्ति को, जिसका मन बिगड़ा हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो सहज ही प्रिय लगता है, जिससे बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, रोग से मुक्ति मिलती है, सुखकारी होता है, प्रिय होता है, रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर रहने वाला होता है। जैसे ये समझ लो कि खट्टा दही नहीं है, मीठा है दही, दूध है, मक्खन है, घी है, खीर है, मेवे की बनी हुई खीर, चावल की खीर, ये सब सात्विक होता है। फल सात्विक होते हैं, जो बहुत कड़वे खट्टे कसैले होते हैं वो तो सात्विक नहीं होते हैं। जैसे तुमने सेब की बात कही कल, तो सेब तो बहुत ही सात्विक होता है, मैं खाता हूँ, तुमको भी रोजाना खाना चाहिए, उससे ताकत भी आएगी, बुद्धि भी तीव्र होगी, ज्ञान बढ़ेगा। सेब रोजाना खाओ, खीर, दूध, मक्खन, मलाई, ये खाओ रोजाना, और गेहूं की चपाती, जौ की चपाती, पूड़ी, कचौड़ी और मिठाई भी थोड़ी, ये सब सात्विक होता है। दूध से बने हुए पदार्थ, गेहूं जौ से बने हुए पदार्थ, हलवा जैसे है, ये बहुत अच्छे सात्विक भोजन होते हैं। चावल है, रोटी, दही, सब्जी, ये सब सात्विक होते हैं। इनको तो रोजाना खाया करो, फल खाया करो, बहुत कड़वा वाला फल मत खाना, उससे बुद्धि नहीं बढ़ती। अब क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बात समझ लो। जो बहुत ज्यादा तीखा हो, जिसमें मिर्च बहुत ज्यादा हो, वो भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत कड़वा हो, बहुत खट्टा हो, बहुत एकदम उबलता हुआ गर्म हो और जलाने वाला हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। उससे ज्ञान बढ़ता नहीं है, उससे शरीर खराब होता है, मन खराब होता है। पका हुआ भोजन ठीक है, लेकिन ज्यादा पक करके फिर सड़ जाए, एक दिन बाद बासी हो जाए, वो नहीं खाना चाहिए। आधा पका भी नहीं खाना चाहिए, जिसमें दुर्गंध होती है, जैसे लहसुन प्याज, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो अपवित्र ज्यादा हो, खराब हाथ से लोग छू दिए हों, बिना हाथ धोए किसी ने छू दिया हो, वो भी ठीक नहीं होता है। तो पवित्र भोजन रोजाना करोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। बैगन एक ऐसा तमोगुण चीज होता है कि सत्वगुण की साधना वाले के लिए बहुत नुकसान करता है। जो तमोगुण की साधना वाले हैं वो लोग तो खाते हैं बैगन, जिनका भोजन सात्विक नहीं होता वो लोग खाते हैं। और वैष्णव उपासना जो है, भगवान की भक्ति वाली, उसमें सत्वगुणी भोजन चाहिए, तो इसलिए बैगन भी नहीं खाना चाहिए। न भगवान को भोग लगाना चाहिए, न अलग से ही खाना चाहिए। और मसूर की दाल भी निषिद्ध होती है, मशरूम भी अशुद्ध भोजन होता है।
और उड़द बादी है, इसलिए जिनको वायु विकार हो, कहीं दर्द ज्यादा हो शरीर में, उनको नहीं खाना चाहिए। और साबूदाना दो प्रकार के होते हैं, जो बिल्कुल गोल 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 चमकीले सफ़ेद होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब वो किसी पौधे से नहीं निकलते हैं, वो फलों को सड़ा के बनाए जाते हैं, तो वो निषेध है, उसको नहीं खाना चाहिए। और बताते हैं कि एक साबूदाना होता है पेड़ के दाने, वो मैंने देखा नहीं, सुना ही है केवल, तो उसको तो खा सकते हैं, लेकिन बाजार में वो शायद पंसारी के यहाँ भले मिल जाए, वैसे जो मिलता है पैक बंद वाला, वो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल एक जैसा, वो तो उनको तो फैक्ट्री बनाती है, उसमें पवित्रता कम होती है या नहीं होती है, तो उस साबूदाना को नहीं खाना चाहिए। मसूर भाग तो लोगों को मसूर बैंगन मशरूम नहीं खाना चाहिए। और बीमार लोगों के लिए, पेट खराब जिनका है या वायु विकार है या शरीर में दर्द है, उनको उड़द नहीं खाना चाहिए। और जो कई लोग नासमझीवश या कुसंगवश ये मान लेते हैं कि मांसाहार तो निषिद्ध है, कुछ एरिया जैसे उधर बंगाल उड़ीसा की तरफ लोग मछली को अशुद्ध नहीं मानते, तो ये वैष्णव उपासना पद्धति में तो बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए मछली, और अंडा आदि भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ें होती हैं, बहुत सात्विक भोजन ही भक्ति में सहायक होता है। श्री राधे राधे।